प्रोग्राम जेरे बहस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं और आज वाघा बॉर्डर पर उस लाइन के करीब मौजूद हूं जो दो मुल्कों की हदूद का तायुन करती है। मेरे पस मंजर में आप ये वाइट लाइन देख सकते हैं जो पाकिस्तान और भारत की हदूद का तायुन कर रही है। अगर आप इस लाइन के एक इंच को भी क्रॉस कर लें तो आप भारत की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, और अगर वहाँ से आते हुए इस वाइट लाइन से को क्रॉस करें तो ये पाकिस्तान की हदूद है। ये देखने में एक सफ़ेद लाइन है, मगर ये वो लाइन है जिसने बर सग़ीर पाको हिंद में मुसलमानों को उनके ख्वाबों की तकमील में मदद दी है। इस एक लाइन को अबूर करने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस ज़रा से फासले को तय करने के लिए कायद आज़म ने एक तवील तहरीक चलाई है। हमारे बड़े खून की नदियाँ अबूर करके इस लाइन तक पहुँचे और फिर अमन आश्ती के इस माहौल में और इस सरजमीन पर आए। इस लाइन की अहमियत क्या है ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। इस लकीर की जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मौजूद है, जिसने दरअसल पाकिस्तान को उसकी पहचान और पाकिस्तानियों को एक शनाख्त फराहम की है। कायद आज़म का वो मौक़िफ़ जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दो कौमें हैं जिनकी तहजीब अलग है, जिनका तमद्दुन अलग है, जिनकी तारीख अलग है, जिनका मज़हब अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, ये इकट्ठे नहीं रह सकते, इनको एक इस तरह की लाइन की ज़रूरत है। ये लाइन दरअसल हमारी शनाख्त है जिस पर आज हम मौजूद हैं, और पाकिस्तान रेंजर्स के उन जवानों के साथ आज हम दिन गुजारेंगे जो इस लकीर की हिफाजत के लिए और एक उस इंच की हिफाजत के लिए कि जिसको क्रॉस करते ही पाकिस्तान की हदूद में आप दाखिल हो जाते हैं, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर हम वक्त चौकस और तैयार रहते हैं। आज हम उन जवानों के साथ दिन गुजारेंगे और देखेंगे कि उनका जज्बा क्या है। वो पाकिस्तान सरजमीन की हिफाजत के लिए और इस सरहद की हिफाजत के लिए अपने रोज़ो शब किस तरह से गुजार रहे हैं और इस लकीर को कितनी अहमियत देते हैं, आज हम उन जवानों के साथ दिन गुजारेंगे। और साथ ही साथ वो जवान भी आपको दिखाएंगे, उनकी मसरूफियात आपको दिखाएंगे जिनको आप परेड में हिस्सा लेते हुए देखते हैं बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर रोज़ाना आप देखते हैं कि वो परेड कर रहे हैं अपने जेस्चर्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ वो दुश्मन को ललकारते हैं और पाकिस्तानियों को बताते हैं कि हम आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम आपको दिखाएंगे कि वो परेड में हिस्सा लेने वाले जवान अपनी तैयारी किस तरह से करते हैं, परेड के लिए किस तरह तैयार होते हैं, क्या किस तरह से परेड करते हैं और फिर परेड के बाद उनकी मसरूफियात क्या होती हैं। तो आज का प्रोग्राम इन जवानों की ज़िंदगी पर है, आपके लिए बड़ा ही अहम और दिलचस्प प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। आपने हमेशा वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड देखी है जो हर रोज शाम होने से पहले परचम उतारने के लिए मुनक्किद की जाती है। आपने हमेशा उन जवानों को देखा है जो वतन की हिफाजत के जज्बे से सरशार होकर मूछों को ताव देकर और बाजुओं को हवा में लहराकर दुश्मन को ललकारते और हमारे जज्बे को उभारते हैं। आपने हमेशा बस इतना ही देखा है, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि ये जवान बाकी वक्त क्या करते हैं, ये तैयार कैसे होते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, जमीन पर आवाज पैदा करने वाले इनके खास जूते कैसे होते हैं, परेड करने के बाद ये जवान क्या करते हैं, इनकी मसरूफियात क्या होती हैं। ये सब दिलचस्प हकायक हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं। आज से पहले मैं ये समझता था कि वो जवान जो परेड करते हैं वो सिर्फ परेड करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि परचम उतारने की तकरीब में की जाने वाली ये परेड अपने तई बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए भी कि ये बैनुल अक्वामी शोहरत की हामिल तकरीब बन चुकी है। पाकिस्तान और दुनिया भर से सयाह जब लाहौर आते हैं तो इस तकरीब को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। मगर आज सुबह के वक्त यहाँ पहुँच कर पता चला कि वाघा बॉर्डर परेड के ये हीरो जिनके साथ आप और मैं बाद में सेल्फियाँ बनाते हैं, इनके दिन का आगाज अपनी रूटीन की ड्यूटियों से होता है। ये मोहम्मद जाहिद हैं और ये हैं खालिद फारूक
इन दोनों को आपने हमेशा परेड के दौरान दुश्मन को ललकारते देखा है। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते, मुक्का हवा में लहराते, अपनी कुलाह को ठीक करते और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये पैगाम देते देखा है कि हम किसी से कम नहीं। मगर आज आप इन्हें इनकी ड्यूटी पर देखिए। परेड हम आपको बाद में दिखाएंगे। जाय साहब, आपको हमेशा हमने यहाँ परेड करते देखा है, आप दुश्मन को ललकारते मुक्के लहराते हमने देखा है, मगर आप यहाँ पर और जिम्मेदारियाँ भी, आपकी ड्यूटी भी होती है, इस वक्त आप ड्यूटी पर खड़े हैं। जी, हमारी इधर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये तो हमारी रूटीन की ड्यूटी है। परेड जो है, परेड अजाफी ड्यूटी में शामिल हो जाती है और ये हमारी ऑन ड्यूटी है। हाँ, हम रूटीन के बाद ड्यूटी करते हैं। अच्छा, अपनी शिफ्ट वाइज ड्यूटी। तो ये आप गेट पर खड़े हुए हैं, क्या ड्यूटी यहाँ पर आप सर अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी है गेट पे, क्योंकि लोगों का आना जाना, ये जो गेट है हमारा मेन है, इसके ये 9:30 से 3:30 बजे तक रहता है ओपन। इसमें हमने जो लोग वीजे वाले आते जाते हैं उनके पासपोर्ट वगैरह चेक करना, उनको वाक्य आया कि ये पासपोर्ट या वीज़ा लगा हुआ है, उसको हम क्लियर करते हैं। सही है, उनका सामान वगैरह चेक करते हैं। सामान वगैरह चेक वो आगे हो जाता है, लेकिन अच्छा, उसको क्लियर करते हैं वाकई ये सही में आने का तो ये गेट इस वक्त खुला हुआ है। तो ये गेट सुबह 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक खुला रहता है रोजाना? 9:30 से 3:30 तक, 9:30 से 3:30 बजे तक खुला रहता है। तो जैसे आपको पता है आज सारा दिन हमने आपके साथ गुजारना है, हम आपकी परेड देखेंगे, परेड के से पहले जो तैयारियां होती हैं वो देखेंगे, फिर परेड के बाद आप क्या करते हैं वो सब हम देखेंगे। आज रात तक हम आपके साथ हैं, आपको तंग करेंगे बहुत सारा। आप हमारे मेहमान हैं, माशाल्लाह हमारा अच्छा वक्त गुजरेगा। जाहिद की तरह खालिद फारूक भी गेट पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सिर्फ जाहिद और खालिद ही नहीं, परेड के ये सभी जवान मुख्तलिफ जगहों पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। परेड के एक और जवान मंजूर से मिलिए, जो बॉर्डर पर लगी बाढ़ के करीब ड्यूटी दे रहे हैं। ये मेरे साथ इस वक्त रेंजर्स के जवान मौजूद हैं, मंजूर साहब जो गार्ड कमांडर हैं इस वक्त, और शाम में आप इनको परेड में हिस्सा लेते हुए भी देखेंगे। यहाँ पर मोस्टली वही जवान अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं जो शाम में परेड पे भी हिस्सा लेते हैं। तो मंजूर साहब, मैं जरा कुछ चीज़ें आपसे इस बॉर्डर के बारे में पूछना चाहूँगा। एक बाढ़ तो हमें यहाँ ये नज़र आ रही है और दूसरी बाढ़ हमें वो नज़र आ रही है, तो ये बाढ़ हदूद का तयन कर रही है, वो बाढ़ कौन सी है? ये बाढ़ तो हदूद का तयन कर रही है, वो बाढ़ तकरीबन 250 गज पीछे लगाई हुई है उन्होंने अपने एरिया में। ये जो सामने गंदम नज़र आ रही है ये भी एलियन है, ठीक है। जो कच्चे ट्रैक दो नज़र आ रहे हैं, ये एक ट्रैक इंडियन है और दूसरा पाकिस्तानी है। अच्छा, ये ट्रैक का क्या मकसद होता है, ये ट्रैक क्यों बनाया गया है? ये ट्रैक इसलिए बनाया गया, इनको कच्चा रखा गया, इनको डेली इनके ऊपर हल चलाते हैं और इनको ये ताज़ा करते हैं, क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग या किसी सिलसिले में कोई चीज़ क्रॉस होती है तो उसके इधर पाँव के निशान या वो निशानदेही हो सके। अच्छा, तो ये दोबारा इसको फ्रेश कर देते हैं रोजाना हल चला के? रोजाना इसको फ्रेश कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ताकि अगर कोई क्रॉस करता है तो पता चल जाए पैरों के निशान से, ट्रेस हो सके कि यहाँ से किसी ने क्रॉस किया। सही है, तो क्रॉस तो कोई नहीं करता होगा यहाँ? ऐसे तो इंशाल्लाह कोई नहीं है, अगर हो जाए तो इसका मकसद यही है। हाँ, मकसद इसका ये है, ठीक है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि जाहिर है इंडियन हदूद है और इंडिया के जवान खड़े हैं यहाँ पर, या आप सारा दिन आप ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और कितने फासले पर आपकी ड्यूटियाँ तैनात रहती हैं? ये तकरीबन 200 गज के ऊपर दूसरी ओपीज आ जाती है, ठीक है, जहाँ दूसरा जवान खड़ा होगा। सही है, पूरे बॉर्डर पे इसी तरह। सही है, और आप अभी परेड में भी हिस्सा लेंगे? हम अभी परेड में भी हिस्सा लेंगे, तो आपको परेड में फिर हम देखेंगे, परेड में आपसे मुलाकात करते हैं। चले, परेड के एक और जवान की ड्यूटी मोर्चे पर है, यहाँ से ये दुश्मन की हरकतों सकनात पर नजर रखते हैं। हम इधर खड़े हुए हैं कि हमारे मुल्क को कोई मैली आंख से ना देख सके, हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं ताकि हमारे शहरी जो है वो सुकून की नींद सो सकें, कोई गैर जरूरी कोई नकरो हरकत ना करे। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद ये जवान परेड की तैयारी कब और कैसे करेंगे, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। अपनी अपनी ड्यूटियां खत्म करने और दोपहर का खाना खाने के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होती है इस परेड की तैयारी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दो जवान जो हैं वो परेड के लिए बिल्कुल तैयार इस वक्त हो चुके हैं। मेरे बाएं जानेब जाहिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेरे दाएं जानेब खालिद साहब हैं। आपने इनको बहुत दफ़ा देखा होगा परेड करते हुए और जिस अंदाज़ में ये परेड करते हैं और आप इनके लिए तालियां बजाते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम ज़रा इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं, इनके परेड के लिए ये कैसे तैयार होते हैं, परेड करते हुए इनके जहन में क्या बातें होती हैं, किस तरह से इनकी तैयारी होती है, और परेड जो होती है वो तो ज़ाहिर है हम आपको दिखा रहे हैं। तो जाहिद साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि माशाल्लाह, सबसे पहले तो मुझे बताएं आपकी हाइट कितनी है? 6'2" और आपकी खालिद साहब? 6'3"
6'3" तो आप हम देखते हैं कि माशाल्लाह जितने जवान यहाँ पर हैं सारे 6 फुट से ज्यादा हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या होता है एक जवान जो परेड के लिए मुंतखब किया जाता है उसमें क्या खसूसियात देखी जाती हैं? इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इसकी हाइट 6 से ऊपर होती है और फिजिकल उसमें ड्रिल देखी जाती है कि इसमें ड्रिल अच्छी है ये कर सकता है और इसकी जो फिटनेस है फिजिकल फिटनेस अच्छी है या नहीं ये सब चीज़ों को मद्देनजर रख के फिर सेलेक्ट किया। अच्छा तो जब एक जवान सेलेक्ट हो जाता है और तो उसको कितने दिन की तैयारी उसकी चाहिए होती है उसके बाद उसको परेड में उतारा जाता है? कम से कम 1 महीना तो मस्ट है ड्रिल उसको ड्रिल करने के लिए तैयार किया जाता है पहले फिर जब 1 महीने के बाद फिर इसको चेक किया जाता है नाम नॉर्मल डे में कि ये परेड अच्छी कर सकता है या नहीं तो फिर वो देख के फिर उसको मतलब सही है। जब आप परेड के लिए जा रहे होते हैं आप चबूतरे से उतरते हैं फिर नीचे आगे खड़े होते हैं फिर आगे जाना शुरू करते हैं बहुत सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं तो लोगों का थोड़ा सा प्रेशर होता है आपके ऊपर? बिल्कुल प्रेशर तो पहले जब नए नए जाते हैं प्रेशर तो जरूर होता है लेकिन कोई बात नहीं जब दुश्मन को देखते हैं सब कुछ ये खत्म हो जाता है। जज्बा इतना जज्बा अंदर आ जाता है कि दुश्मन को देखते ही हर चीज खत्म हो जाती है। अच्छा, अच्छा हमने एक चीज देखी है कि अक्सर जो हमारे जवान होते हैं उनकी मूछें बड़ी जबरदस्त होती हैं तो ये मूछों का परेड के साथ क्या ताल्लुक है? मूछों का ये ताल्लुक है कि दुश्मन को डराना चाहिए ठीक है मूछें इतनी होनी चाहिए कि दुश्मन देख के कमजोर हो जाए उसके दिल में खौफ आए कि ये मुसलमान है ठीक है मुसलमान उनके नाते में सब कुछ ठीक है ठीक है। अच्छा बाज़ अब हमने ये भी देखा बल्कि अक्सर हम जब परेड देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और आपको आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से कराची से इस्लामाबाद से लोग आते हैं तो यहाँ पर अपने मेज़बानों को कहते हैं कि हमें वाघा बॉर्डर ले चलो हमने परेड देखने जाना है यानी लाहौर का एक ज़बरदस्त इवेंट है ये। हम यहाँ पर जब आते हैं तो देखते ये हैं कि हमारे जवान माशाल्लाह 6-7 फुट के जवान हैं ये उनकी मूछें हैं ये उनका जनाब ललकार है लेकिन दूसरी तरफ बड़े नन्हे मुन्ने बड़े नरमो नाजुक से जवान हमें इंडिया के बॉर्डर से देखने में आते हैं वो आपके ख्याल में वो इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखते होंगे कि यार हमारा भी जवान पाकिस्तानी जवानों की तरह तगड़ा होना चाहिए? ये हम पे अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मजबूत बनाया है और हम इधर परेड करते हैं वो दुश्मन पे इसका हमारा प्रेशर पड़ता है उनकी, उनकी वो खुराक वगैरह का मसला है उनको खुराक पूरी नहीं मिलती हो सकता है खुराक का मसला हो लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें खुराक अच्छी मिलती है। अच्छा और हम माशाल्लाह फिट हैं ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप परेड करते हुए जब ऐसे करके हाथ ऐसे इशारा करते हैं कि आपका ये बड़ा स्पेसिफिक इशारा होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि दुश्मन को पता चला कि हम आपके मुकाबला कर सकते हैं हमारी बाजुओं में दम है ठीक है इसलिए हम उसको ये ललकारते हैं ये देख लो हम आपके लिए हैं। और आपको पता है जब आप ये करते हैं तो आपके लिए कितनी तालियां बजती हैं? बिल्कुल लोग ये देख के हंसते हैं कि हमारा जो मुसलमान का जवान ये खड़ा है इधर तो दुश्मन को डरा रहा है उधर आंखों में आंखें जब डालते हैं तो पता चल जाता है इसलिए वहां जो तालियां लगाती है ठीक है जी सर। अच्छा आपके लिए बड़े नारे लगते हैं और हमारी कोशिश ये होती है यहाँ पर पाकिस्तानियों की बड़ा जोरदार नारा लगाएं और उधर से जो आवाज़ आ रही है उससे ज़्यादा ऊंचा नारा लगाएं तो आप लोगों के जज्बे को लोगों का जज्बा जो है वो आपको देख के बढ़ता है और आपका जज्बा लोगों को देख के भी बढ़ता है? बिल्कुल सर ऐसे ही है सर तो जब सर तालियां लगती हैं तो हमारा जज्बा देख के वाम को देख के हमारा जोश और बढ़ जाता है तो जो जो वाम देखने आती है उनका हम को देख के और बढ़ जाता है। जरा करके दिखाएं कैसे करते हैं वो उधर सर जब इस तरह करते हैं तो दुश्मन को पता चले कि हम आपके लिए हैं ठीक है हमारी बाजुओं में इतनी पावर है कि हम आपको रोक सकते हैं मुसलमानों के नाते में। एक दफा खड़े होकर आप भी करके दिखाएं ये वाला सीन थोड़ा सा ऊपर ऐसे ये जरा जवान कमजोर है जवान ये ऐसे कमजोर होता है ऐसे ताकतवर। अच्छा ऐसे ताकतवर चले सीख जाऊंगा आपके साथ जरा थोड़ा सा रहूंगा ना। अच्छा ये दूसरा इशारा जो आप ये ऐसे करके करते हैं खैर मेरा तो वो बाजू ही नहीं है जैसे जो आपकी तरह का कर सकें माशाल्लाह आपको बड़ा जबरदस्त ताकतवर बाजू है इसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल सर जब हम करते हैं दुश्मन की तरफ देख के फिर हम बताते हैं कि हमारी बाजू में ताकत है हम एक आ से भी आपका मुकाबला कर सकते हैं। जी सर ये माशाल्लाह देखिए जी ये 7 फुट के जवान है और मेरे से कितने ऊंचे हैं और फिर ये कुलाह जो पहना हुआ इन्होंने इससे माशाल्लाह इनका कद काठ और भी बढ़ जाता है। अच्छा एक चीज़ आप बैठें मैं आपसे एक दो चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूँ ये जो आप पाँव मारते हैं ज़मीन पे तो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आती है तो एक तो माशाल्लाह बड़ी ताकत के साथ मारते हैं दूसरा आपके जूते में कुछ लगा भी होता है जूता किस तरह का बनता है आपका? जी इसमें लोहे की प्लेट बनाई जाती है खास किस्म की प्लेट बनती है वो तैयार करके फिर हम जूते के नीचे लगाते हैं फिर इस चमड़े के ऊपर लगाते हैं प्लेट को ताकि वो पाँव को भी थोड़ी सी ना चोट ना आए। अच्छा अच्छा चोट से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये हमने देखा है वो ये जो जूता आपका हमने देखा ये इंडिया वालों के जो जवान परेड कर रहे होते हैं उनका जूता भी इसी तरह बना होता है उनके भी नीचे प्लेट लगी होती है? बिल्कुल प्लेट लगी होती है लेकिन हमारा जज्बा इतना होता है जब पाँव नीचे लगता है तो पता चलता है ये पाँव लग रहा है लेकिन सेम टू सेम हमारे जूते भी उनके बराबर होते हैं। अच्छा लेकिन आपका जज्बे और ताकत की वजह से ज़्यादा आवाज़ आती है उनकी आवाज़ इतनी नहीं आती उतनी आवाज़ उनकी नहीं आती
दुश्मन मुल्क है, गैर मजहब है, उनको हमारे मुसलमान होने के नाते में जज्बा इतना हमारे अंदर कि जब पाँव लगता है तो पता चले दुश्मन को पाँव लग गया। तो ये जूता चलता कितना है आपका? ये वैसे तो इसकी जो है इसकी लिमिट जो है वो दो साल तक है, लेकिन जो है हम इधर परेड करते हैं, परेड करने की वजह से रोजाना डेली परेड करते हैं, इसलिए जो है ना हमारा ये 3 से 4 माह चल जाता है। एक तरफ जवान तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ परेड से पहले सिक्योरिटी दोबारा चेक हो रही है। तो ये अभी रेकी करता हुआ आ रहा था ये डॉग, तो ये क्या क्या चीज तलाश करता है? किन स्नैफिंग डॉग है, आर्म एक्सप्लोज का, नार्कोटेस का, बारूद का, जो भी मवाद होना ऐसा गैर जरूरी चीज, तो ये हमें इंडिकेट करता है, उससे हमें पता चल जाता है ये पंजा लगाता है या बैठ जाता है, उधर हमारी तरफ देखेगा, दुम हिलाएगा, हमें पता चल जाता है इधर कोई गैर जरूरी चीज है। तो क्या आपका रूटीन का प्रैक्टिस आप रोजाना करते हैं परेड से पहले? रोजाना हम सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं परेड से पहले। हमारी 6 उधर प्लटून है, उससे लेकर 4 से और GCP तमाम एरिया हम सर्च। और भी डॉग्स होंगे आपके पास इस तरह के जो मुख्तलिफ एरियाज में सर्च कर रहे होंगे? और भी डॉग हैं हमारे पास, 4 डॉग हैं जिससे हम तमाम एरिया सर्च करते हैं। तो ये काफी ट्रेंड किए जाते हैं, इससे हमने इनाम भी लिया, टेस्ट भी लिया अफसरों ने और ये पास हुआ आज। अभी गलती तो नहीं करता ये? नहीं, गलती बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सुबह शाम इसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद रिहर्सल होती है इसकी मुकम्मल, तो काफी अफसर हमारे साथ ना इसको चेकअप भी करते हैं। उधर भी देख रहे थे वो भी, उनका भी डॉग, हमारे कुत्ते अच्छे हैं, उनके डॉग अच्छे हैं, उनके अपने बस हमारे भी, हर आदमी बोलता है कि हमारे अच्छे हैं, ठीक है, अपनी चीज खूबसूरत है, यही है ना खूबसूरत। शैम्पू के साथ नहलाते हैं, इसकी इम्पोर्टेड फीड होती है, तकरीबन 5,000 का तोड़ा आता है, साथ दूध भी है, 2 टाइम उसको सेवा बहुत करते हैं इसकी, फिर ये हमारी हिफाजत करता है, फिर इसलिए हमारी हिफाजत करता है, हमें इंडिकेट करता है कि इधर कोई चीज है। जी जी चले, तो इसको जवान को कहे ना जरा रेकी करके दिखाए थोड़ी, देखना अभी रेकी करेगा आप इसको ना, देखना उसके बाद तब लो। उधर जवान तैयार हो चुके हैं, परेड का यूनिफॉर्म पहनकर आईने में उसका अक्स देखने के बाद सादा से कमरों में रहने वाले ये जवान बड़ी शानो शौकत और सज धज के साथ निकलते हैं और उस चबूतरे पर पहुंचते हैं जहां से उन्होंने अपनी परेड का आगाज करना होता है। ये सब लोग इन्हीं को देखने और इन्हीं के लिए तालियां बजाने यहाँ आए बैठे हैं और अब इन्हें इंतजार है परेड शुरू होने का। शानदार परेड अपने अख्तिताम को पहुंची, नारे लगे, तालियां बजी, ललकारा भी गया, मुक्के भी लहराए गए, तस्वीरें और वीडियोस भी बनी, गैर मुल्की मेहमान भी खूब महसूस हुए। परेड के बाद भी तस्वीरें बनती रहीं। तकरीब देखने के बाद मेहमान घरों को भी चले गए। अब हमारे ये शेर जवान क्या करेंगे, अब इनकी मसरूफियात क्या होंगी, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हुसन तेरे दे नाग ने मारिया दिल मेरे ते डंग, जद छनके तेरी वंग, उंज ते तेरा अंग अंग सोना, हाय उंज ते तेरा अंग अंग सोना, खास करे अखियां, मर गए मर गए मर गए मर गए, जेड़ दिन दिया थकियां, मर गए मर गए, उंज ते तेरा अंग अंग सोना, उंज ते तेरा अंग अंग सोना, खास करे अखियां, मर गए मर गए मर गए, जेड़ दिन दियां थकियां।
राही मुड़ मुड़ तेनू तकदे पलना थकदे राही मुड़ मुड़ तेनू तकदे पलना थकदे सोनी सोनी टोर है तेरी सोनी सोनी टोर है तेरी नाजक नाजक मर गए जेड़े दिन दिया तकियां मर गए जेड़े दिन दिया तकियां वाह वाह ये देखें नाज़रीन ये दिन भर आपको हमने इनकी एक्टिविटीज दिखाई किस तरह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद इन्होंने परेड की शानदार परेड आपने देखी मेरे साथ ये दोनों जवान और ये मंजूर साहब भी यहाँ बैठे हैं तमाम वो लोग जिन्होंने परेड में हिस्सा लिया मोस्टली वो लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ तो फिर जब दिन भर की मसरूफियात के बाद फिर शाम में ये बैठते हैं खाना वाना खाने के बाद तो इस तरह से फिर ये एंजॉय करते हैं सब लोग इकट्ठे होते हैं तो ये एक छोटी सी एक गैदरिंग या पार्टी आप समझ लीजिए हो रही है तो एक गाना तो आपने अभी सुना तो भुट्टा साहब हमारे साथ हैं तो भुट्टा साहब आपको एक और मजेदार गाना सुनाएंगे ये भुट्टा साहब वो दाल दर्जी एक कमीज सीड़े ते जड़ी कहीं दे मशूक ना पई होवे गज हुसन दे नाल तू ना पुघिने वो कैंची इश्क दे नाल कटई होवे धागे फिराक दे नाल तू सीडे में सुई हिजर दे नाल सिलाई होवे असद आखे जद मिलन में वन्या उह गल सजना दे पई होवे लहलई तू मुंदरी मेरी लहलई तू मुंदरी मेरी चालां दे नाल वई वई हुण क्यों नहीं देंदा मैकू अपना रूमाल वई वई अपना रूमाल वई वई लहलई तू मुंदरी मेली चालां दे नाल वई वई हुण क्यों नहीं देंदा मैकू अपना रूमाल वई वई अपना रूमाल वई वई तेरे वादा ते हरगज करती इतबार नहीं तेरे वादा ते हरगज करती इतबार नहीं तेरी मुहब्बत दा मैं करती इकरार नहीं तेरी मुहब्बत दा मैं करती इकरार नहीं पहला मैं जान दीजे पहला मैं जान दीजे तेरी घटिया ए चाल वई वई हुण क्यों नहीं देंदा मैकू अपना रूमाल वई वई अपना रूमाल वई वई लहलई तू मुंदरी मैली चालां दे नाल वई वई हुण क्यों नहीं देंदा मैकू अपना रूमाल वई वई अपना रूमाल वई वई हुसन जवानी ते कू एडा गरूर ना कर हुसन जवानी ते कू एडा गरूर ना कर पल दी बहार समझी अपना ए रूप दिलबर पल दी बहार समझी अपना ए रूप दिलबर रहंदा हमेश नाहीं रहंदा हमेश नाहीं रंगला जमाल वई वई हुण क्यों नहीं देंदा मैकू अपना रूमाल वई वई अपना रूमाल वई वई लहलई तू मुंदरी मैली चालां दे नाल वई वई हुण क्यों नहीं देंदा मैकू अपना रूमाल वई वई अपना रूमाल वई वई आजा भुट्टा साहब किसके लिए गाना गाया गया आपने ये सब हम दोस्त मिलके गाते हैं नहीं इसमें जिसका जिक्र हो रहा था वो कौन था बस वो तो बचपन की याद आ रही थी मगर हम आपस में सब दोस्त बचपन का कोई इश्क याद आ गया आपको जी जी बिल्कुल अच्छा इश्क के बगैर तो कोई नहीं रह सकता
जितना सीरियस होके आपने दिल से गाया है उससे मुझे लगता है कोई बात है इसके पीछे। जी बिल्कुल, कोई भी गुलकार है या कोई शेरो शेरी कोई किसी किस्म का है बंदा बगैर शेरो शेरी के इस तरह का यानी कि कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो सकता। तो ये वाकया है इसके बारे में अब आपने टीवी पे बता दिया है तो आपसे आपकी वाइफ पूछेंगी कि ये कौन सा वाकया, मुझे तो कभी बताया नहीं। बस ये जो है ना इस तरह के मामलात हम अपने हद तक ही रखते हैं। तो अब ये तो काम खराब हो गया, अब तो आपसे सवाल होगा इसके बारे में। जी कोई ऐसी बात नहीं है, कवर कर लेंगे। कहते कवर कर लेंगे। कौन से इलाके से हैं आप? जी मैं मेरा बेसिकली तलक यजमान मंडी से है, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। सही है। तो घर वालों को कोई पैगाम देना आपने? जी घर वालों के लिए यही पैगाम है, डेली फोन पे बात हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है हम मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ड्यूटी पे मामूर है, ये सब हमारे तो आपके घर भाइयों की माँ बाप की दुआएं हैं। अच्छी बात है, ड्यूटी पे मुझे ये आपका पैगाम तो चले फोन पर रोजाना बात होती है, मगर आपके घर वालों को ये एक पैगाम मेरा भी है और वो ये है कि जब घर आए तो उनसे पूछिए जरा वाकया कौन सा है वो वाला। ठीक है। अच्छा जी, तो जाहिद साहब इस तरह थकावट उतारते हैं आप अपनी? जी बिल्कुल इसी तरह उतारते हैं। अच्छा, सारा दिन आपने बड़ी शानदार परेड की, हमने देखा बड़ी आला परेड थी, तो उसके बाद फिर आप इस तरह बैठते हैं जरा गप शप मारते हैं सारे लोग? जो हमारी थकावट है ना शो करके हल्का फुल्का गाना गा के दूर हो जाती है। जीवे जीवे पाकिस्तान साडा सोना पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान साडा सोना पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान साडा सोना पाकिस्तान, साडे शेर जवान यारो मौत कोलों नहीं डरदे, जेड़ी थां ते डट जांदे फिर पैर पिछा नहीं तरदे, दहशत नदी वेख के दुश्मन हो जांदा हैरान, साडा सोना पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, साडा सोना पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, बार्डर ते परेड कर दे सारी रात नहीं सोंदे, बार्डर ते परेड कर दे दश्त खूब खोंदे, कूरी पाके मुच्छा बट के दश्त खूब खोंदे, दश्त नदी वेख के दुश्मन हो जांदा है, साडा सोना पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, साडा सोना पाकिस्तान। बहुत बहुत अमल मंजूर मंजूर साहब जिंदाबाद, मंजूर साहब समझदार निकले, उनके इस तरह का कोई सवाल भुट्टा साहब जैसा ना हो मुझसे, उन्होंने कलाम बहुत मुंतखब किया है जिस पर साहब ने नारे लगा दिए। सर आपकी बारी आ गई। वो किसी ने पूछा था ना बांसुरी की आवाज में इतना दर्द क्यों होता है, तो कहते हैं इसके सीने में छेद इतने हैं कि दर्द तो होगा ना, तो ये आपकी आवाज में भी बड़ा दर्द हमें महसूस हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं इसमें। नहीं, दर्द तो बगैर वजह के नहीं होता। ये आपके दोस्त हंस रहे हैं सारे, तो इससे लगता है साहब कोई बात है। जदों छणके तेरी वंग, जदों छणके तेरी वंग, आशिकां दे दिल धक धक कर दे रांझे होण मलंग, जदों छणके तेरी वंग, कद सरू दे बूटे वर्गा ने नशीले तेरे, कद सरू दे बूटे वर्गा कद सरू दे बूटे वर्गा ने नशीले तेरे, मुख दी लालड़ चानन कर दी जुल्फां पौण हनेरे,
ਮੁਖ ਦੀ ਲਾਲੜ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਪੌਣ ਹਨੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਥੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਈਸਾ ਖੇਲ ਤੇ ਜੰਗ ਛਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧਕ ਧਕ ਕਰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋਣ ਮਲੰਗ ਜਦੋਂ ਛਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੜੀਏ ਟੋਰ ਸਲਗੜੀ ਤੇਰੀ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੜੀਏ ਟੋਰ ਸਲਗੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਉੜ ਗਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਉੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਗ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧਕ ਧਕ ਕਰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋਣ ਮਲੰਗ ਜਦੋਂ ਛਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਗੋਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਖੂਬ ਜਮਾਇਆ ਗੋਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਨੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਖੂਬ ਜਮਾਇਆ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੱਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਈਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੱਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਈਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਮਜਾਲ ਮੇਲੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲੰਘ ਛਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧਕ ਧਕ ਕਰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋਣ ਮਲੰਗ ਜਦੋਂ ਛਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਜਦੋਂ ਛਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ 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 ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਯਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਵੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ कि हमें देख ले हमारी वजह से आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम किस तरह इधर खुश और अच्छे मूड में बैठे हुए हैं इसी तरह हम रोजाना रहते हैं खुशबाश हमारी वजह से आप लोग परेशान ना हो ठीक आज तो आपका मैं गाना भी सुनाया और आपकी परेड भी दिखाई है तो आज तो बहुत खुश हो जाएंगे घर वाले आपके अच्छा जी आप जी जी मेरा तो यही पैगाम है पूरे मुल्क के लिए अपनी फैमिली के लिए कि जहां भी रहें खुश रहें हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और हम इंशाल्लाह 24 घंटे दुश्मन के शाना बचाना दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हैं 24 घंटे हम इधर ड्यूटी कर रहे हैं बस हमें उन लोगों की दुआओं की ज़रूरत है अपनी माओं की अपनी बहनों की दुआओं की ज़रूरत है कि हमारे लिए दुआ किया करें ये अब जाहिद साहब मेरे साथ बैठे हैं जाहिद साहब की परेड आपने देखी कितनी शानदार परेड ये करते हैं सारे जवान वैसे करते हैं लेकिन ये चूंकि खास हीरो हैं इस परेड के और खालिद साहब भी बड़ा मेन इनका रोल रहता है इस परेड में तो मैं ज़रा अब बात करता हूँ अपने जवान जाहिद साहब से जाहिद साहब दो मौक़ों पे मैंने पाकिस्तानी कौम का जज्बा बड़ा ज़बरदस्त देखा है एक जब यहाँ बॉर्डर पे परेड हो रही होती है और दूसरा जब पाकिस्तान और क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो मैच अब चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त पाकिस्तान और भारत का तो ज़रा मैच के बारे में क्या कहेंगे आप मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस मैदान में भी खेलें हम डांट के खेलें जिस तरह हम परेड करते हैं डांट के करते हैं दुश्मन को डराते हैं धमकाते हैं और सीना तान के करते हैं इसी तरह चाहता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना वो खुल के खेले सीना तान के खेले और हम जीते और हमें खुशी होगी बॉर्डर पे बैठ के हमारे जवानों ने खेले हैं और जीते हैं हमें हमारा सर जो है फखर से बुलंद हो जाएगा जिस तरह ये जवान ललकार रहे हैं उस तरह वो जवान भी वहाँ मैदान में ललकार रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जबरदस्त बहुत अच्छा है मैं अपने घर वालों की दुआओं के साथ माँ बाप की दुआओं के साथ अभी VIP जगह पे अच्छी जगह पे तैनात हूँ इधर मुझे फखर है कि इंडिया के सामने मैं परेड करता हूँ अपना सीना तान की एक बाजू है चाहे दो लेकिन हमें फखर है ठीक है इसलिए दुश्मन को हमने अभी इधर डरा के रखा हुआ है उनको पता चल रहा है कि मुसलमान का जज्बा है बिल्कुल सही और आपके घर वाले भी आप पे फख्र करते हैं जिस तरह से बाकी सब लोग तमाम जवानों पे फख्र करते हैं जी बिल्कुल घर वाले तो हैं पूरे गांव वाले फख्र करते हैं कि हमारे गांव का लड़का जो वाघा बॉर्डर पे परेड कर रहा है जनाब तो जगह जगह पे ये मशहूरी चल रही है ठीक है माशाल्लाह आपका कद और मूंछें दोनों कमाल है जो भी देखता है वो कहते हैं बस खालिद खालिद ही है ये बात तो ठीक है खालिद जो है खालिद खालिद ही है सही है मैं ये पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहूँगा कि एक अजब शान से हम सरहदों पे जिया करते हैं एक अजब शान से हम सरहदों पे जिया करते हैं अपने सुबह शाम इस वतन के नाम किया करते हैं वो दुख क्या चीज़ है गोली किसे कहते हैं हम तो टैंकों की सफ़े चीज़ दिया करते हैं हमको शहादत का सबक मिलता है उस वक्त से जब माँ की गोद में दूध दिया करते हैं
नाजीन आज का पूरा दिन हमने रेंजर्स के जवानों के साथ वाहगा बॉर्डर पर गुजारा है, आपको इनकी मसरूफियात दिखाई हैं, परेड से पहले ये लोग अपनी ड्यूटीज किस तरह से सर अंजाम देते हैं, परेड की तैयारी कैसे करते हैं, उसके बाद फिर परेड में किस तरह से हिस्सा लेते हैं, उसके बाद उनकी क्या मसरूफियात होती हैं और फिर किस तरह से ये सब दोस्त मिल बैठते हैं और थोड़ा फ़न भी करते हैं, अपनी थकावट भी उतारते हैं और अब खुद को हशाश पशाश भी करते हैं, और फिर यही जवान जो हैं वो रात में ड्यूटियाँ भी कुछ देते हैं इनमें से अपनी शिफ्ट के हिसाब से। एक बड़ा भरपूर दिन आज हमने इन जवानों के साथ गुजारा। ये वो सपूत हैं जिन पर पूरी कौम की माएँ फ़ख्र करती हैं और ये वो सपूत हैं जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, ये सरहदों पर जागते हैं और हम इनकी वजह से अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। इन तमाम जवानों को पूरी कौम का सलाम, इन तमाम जवानों के लिए हमारे जज्बात और हमारी नेक तमन्नाएं हर दम हैं और इन्हीं की वजह से ये मुल्क जो है वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, इन्हीं की वजह से इस कौम का जज्बा जो है वो जवान है। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इस शुक्रिया के साथ जो मैं इन तमाम जवानों का करना चाहता हूँ, मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। झंडे मिट्टी।